इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दो सीट जो कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर है, दो सीटों पर उपचुनाव होना था, उसको लेकर के तारीख की घोषणा जो है वो हो चुकी है। क्या कुछ तारीख है और कब गिनती होगी, किस दिन वोटिंग होगी, तमाम खबर जो है वो हम आपको बताते हैं। विधानसभा की दो सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। बिहार विधानसभा की कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले मतदान का परिणाम 2 नवंबर को आएगा। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी उपचुनाव होगा। 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। मुंगेर का तारापुर और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान दोनों विधानसभा सीटें विधायकों की हुई अचानक मौत के बाद खाली हुई। पिछले 19 अप्रैल को तारापुर के विधायक और पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी की कोरोना से मौत के बाद यह सीट खाली हो गई। वहीं कुशेश्वर स्थान के विधायक शशिभूषण हजारी की मौत के बाद यह सीट खाली हो गई है। नीतीश कुमार ने दोनों जगह अभी से दौरे शुरू कर दिए हैं। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे। आपको बता दें, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुशेश्वर स्थान और तारापुर का दौरा जो है वो कर रहे हैं। आप महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव लगातार इस सीट को जीतने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत जो है वो आरजेडी की होगी। वहीं जेडीयू की आप बात करें तो जेडीयू भी पूरा दमखम जो है वो इन दोनों सीटों पर लगाना चाहता है, क्योंकि उनकी सीटें जो है विधानसभा चुनाव में वो कम हुई है और जेडीयू के खाते में ही ये कुशेश्वर स्थान की सीट और तारापुर की सीट जो है वो थी। दोनों ही जेडीयू के विधायक वहां से जीते थे और अब जेडीयू चाहती है कि ये सीट एक बार फिर से उनके ही खाते में चले जाए। अब बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने भी ताल ठोक दिया है और दावा कर दिया था कि वो कुशेश्वर स्थान और तारापुर जो है वो जीत कर दिखाएंगे। हाल के दिनों में ही कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इन दोनों सीटों पर खुद दौरा करेंगे। आने वाले 2 अक्टूबर को दरभंगा जा रहे हैं चिराग पासवान और कहा जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा जो दरभंगा के अंदर पड़ता है वहां भी जाकर लोगों से आशीर्वाद जो है वो लेंगे। अब जिस तरीके से घोषणा कर दी गई है और चुनाव का बिगुल जो है वो फूक चुका है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर जेडीयू क्या फिर से इन सीटों पर अपना कब्जा जमा पाती है या फिर तेजस्वी यादव आगे निकल जाते हैं और तेजस्वी यादव के कैंडिडेट जो है वो वहां से चुनाव जीत जाते हैं। महागठबंधन के प्रत्याशियों की बात करें तो महज कम वोटों से हार जो है वो महागठबंधन की कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा में हुई थी। तेजस्वी यादव इस बार कोई गलती करना नहीं चाहते हैं और दोनों सीटों को जीत लेना चाहते हैं। हालांकि ये वक्त बताएगा कि आखिर जीत जो है वो किसकी होगी। 2 नवंबर को रिजल्ट आएंगे इन दोनों विधानसभा चुनाव उपचुनाव के और 30 अक्टूबर को वोटिंग जो है वो की जाएगी इन दोनों सीटों पर। आप बने रहे हेडलाइंस के साथ।